शायद भुट्टो साहब शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये मौजूदा बजट 2004-2005 के लिए जो पेश किया गया है इसका बगौर जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस बजट को किसी सूरत भी एक मुतवाजन बजट का नाम नहीं दिया जा सकता। जनाब स्पीकर, एक मुतवाजन बजट वो होता है जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात को यकसा नजर से देखते हुए, उनके माशी मसाइल को समझते हुए उनके हल की कोशिश की जाए। जनाब स्पीकर, इस बजट में मुल्क की 80% आबादी जो कि हमारे देहात में रहती है उसके मुआशी हालात को ना समझा गया है, न उन मुश्किलात को किसी सूरत में आसान करने की कोई कोशिश की गई है। 80% आबादी जो देहातों में रहने वाली है, जिनको अभी तक बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है, कहीं पे पीने का पानी नहीं है, कहीं पे अस्पताल नहीं है, कहीं पे स्कूल नहीं है, कहीं पे रोड नहीं है, उस आबादी 80% जो गरीब आबादी है वो आज हमसे सवाल करती है कि इस बजट में हमें बताओ कि वो कौन सा रिलीफ है जो हमें दिया गया है जो हमारी मौशी हालत को बेहतर करेगा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें जवाब देने के लिए कुछ नहीं रह जाता, ले दे के हम लोग ये बात करते हैं कि जी बिजली के नरखों में कमी हुई है। 10 पैसे बिजली के नरखों में कमी करके हमने 25 रुपया टीवी लाइसेंस फी उनके ऊपर डाल दी है। तो जनाब, जब हम 80% आबादी के इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं कह सकते तो वो हमसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप ईवानों में बैठकर हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये जो बजट बनाया गया है जिसे अवामी बजट का नाम दिया गया है, जिसकी इतनी बड़ी तशहीर हुई है, इस बजट में एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया गया है? वो ये जानते हैं कि यहां पे हम लोग बैठे हुए उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए हम ये कहते हैं कि हमारी 80% आबादी का मोबाइल फोन कनेक्शन से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। हमारी 80% आबादी का 100 सीसी, 1300 सीसी, 1600 सीसी, 2000 सीसी किसी कार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मुल्क की 80% आबादी हमसे मांगती है आटे की कीमत, हमसे मांगती है दाल की कीमत, हमसे मांगती है चीनी की कीमत, जिसमें इस बजट में कोई कमी नहीं की गई, जिसको यकसर नजरअंदाज किया गया। तो हमें यह कहना पड़ेगा कि मुल्क की 80% आबादी को इस बजट में यकसर नजरअंदाज किया गया है। जनाब, अब आता हूं मैं उस 65% आबादी की तरफ जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, जिसके लिए बहुत बड़ा डंडोरा पीटा गया मीडिया के ऊपर कि बहुत बड़ा जरी पैकेज दे के ज़राअत के शोबे को तरक्की दी जा रही है, काश्तकारों की हालत ज़ार बेहतर की जा रही है। तो जनाब, देखते हैं उस जरी पैकेज को। जरी पैकेज में जो खास चीजें दी गई हैं उसमें सबसे पहले यह है कि ट्रैक्टर की कीमत में कमी की गई है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सारा ईवान जानता है कि जिन ट्रैक्टर की ड्यूटी को 10% तक लाया गया है वो ट्रैक्टर यहां पे हमारे काश्तकार नहीं खरीदते क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है। 35 हॉर्स पावर से कम ताकत वाला ट्रैक्टर
हमारी जमीनों में हल नहीं चला सकता, इसलिए हमारे लिए बेकार है। और यही सबब है, अगर वजीर खजाना साहब ने कहा है कि वो ट्रैक्टर हम उन ट्रैक्टरों पर 10% तक ड्यूटी लेंगे इम्पोर्ट पर जो 35% से कम ताकत के होंगे और 35 हॉर्स पावर से कम ताकत के होंगे और 100 हॉर्स पावर से ज्यादा ताकत के होंगे। और उन्होंने ये भी फरमाया कि क्योंकि ये ट्रैक्टर मकामी सनत तैयार नहीं करती, तो अगर वो ये भी फरमा देते कि आखिर ये ट्रैक्टर मकामी सनत तैयार क्यों नहीं करती। जनाब वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ट्रैक्टर हमारे मुल्क में हमारे काश्तकार है, ये सिर्फ लफ्जों की हेरा फेरी है, ये हिंसों की हेरा फेरी है और कुछ नहीं है। इससे पाकिस्तान के काश्तकार को, पाकिस्तान के किसान को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ, जरई बैंक के मार्कअप पे कहा गया कि 14% से कम करके 9% पे ले आए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा इसी फ्लोर पर कुछ दिन पहले यह सवाल किया गया कि जी जरई बैंक 14% मार्कअप लेता है, तो उस तरह से जवाब आया था कि जी नहीं 11% मार्कअप लेता है। तो हकीकत बदेर सही, देर से सही, लेकिन आपके सामने आ गई कि किस तरह से हमें गलत बातें बताई जाती हैं, हमारे सवालों के जवाब गलत दिए जाते हैं। तो जनाब बड़े फखर से कहा जाता है कि जरई बैंक के 14% से कम करके मार्कअप 9% पे ले आए, लेकिन इनको गौर से पढ़ें, गौर से देखें, यह मशरूत कर दिया गया है कि ये 9% सिर्फ उन कर्जों पे होगा जिसमें कर्जे वो होंगे जो ट्रैक्टर की खरीदारी के लिए और ट्यूबवेल की खरीदारी के लिए लिए जाएंगे। तो जनाब मैं आपके सामने ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक के कम से कम आपके पास 30 से 50 एकड़ जमीन होनी लाजमी है जिसके अगेंस्ट आपको इतनी रकम मिलेगी कि आप ट्रैक्टर खरीद सके। तो जनाब मेरा सवाल वजीर खजाना साहब से यह है कि 30 से 50 एकड़ जिनके पास जमीन होगी वो तो ट्रैक्टर खरीदेंगे और वो 9% मार्कअप भी अदा करेंगे, लेकिन जिनके पास 5 एकड़ जमीन है, जिनके पास 10 एकड़ जमीन है, जो छोटे काश्तकार हैं, वो कहां जाएंगे? उनको ट्रैक्टर नहीं चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक उनको ट्रैक्टर नहीं देगा। उनको चाहिए अपनी फसल बोने के लिए बीज, उनको चाहिए अपनी फसल बोने के लिए खाद, उनको चाहिए अपनी फसल के लिए पेस्टिसाइड। और जब वो छोटा काश्तकार जो पहले से पिसा हुआ है, जो 5 एकड़ की एराजी रखता है, जब वो एग्रीकल्चर बैंक जाएगा, वहां से कर्जा लेगा, तो उसको बीज के लिए, उसको खाद के लिए, उसको पेस्टिसाइड के लिए उसी 14% मार्कअप पर कर्जा दिया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये गरीबों का बजट नहीं है, ये अवामी बजट नहीं है, ये अमीरों को राजी किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब बात है तीसरे हिस्से पे। बड़ी तशहीर हुई है कि जी जरई कर्जों में 50% तक छूट दी गई है। 50% तक छूट दी गई है। जनाब आज से 2.5 महीना पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया कि 31/12/2000 तक जितने कर्जे, जरई कर्जे डिफॉल्ट में जा चुके हैं, अगर वो जमा करा दिए जाएं तो उस पर सूद माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई दाव होता, पहले किसान कन्वेंशन होता है, उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब अपनी सदारती तकरीर में कहते हैं कि वो कर्जे जो 31/12/2000 पहले भी 31/12/2000, अब 31/12/2000 की बात की जा रही है, 31/12/2000 तक जितने कर्जे डिफॉल्ट में जा चुके हैं अगर वो जमा करा दे उसमें 50% की छूट दी जाएगी। फिर बजट पेश होता है, बजट में भी हमारे वजीर खजाना साहब यही बात करते हैं कि 31/12/2000 तक जितने कर्जे डिफॉल्ट में जा चुके हैं उन पे 50% छूट दी जाएगी। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, या तो ये 31/12/2000 इतना मुकद्दस हिंसा है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर जनरल मुशर्रफ से लेकर हमारे वजीर खजाना तक
سب کی سوئی جا کے 31/12/2000 پہ اٹک دیے یا پھر اس میں کوئی راز مذہب میں ہے؟ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے. 31/12/2000 کو 4 سال گزر چکے اور آپ ایگریکلچر بینک کا ریکوری کا پروسیجر دیکھ لیں. ایگریکلچر بینک کے اندر بینک کے مینیجر کو میجسٹریل پاور دیے گئے. جو آدمی ڈیفالٹ کرتا ہے بینک کے مینیجر کو یہ اختیار ہے کہ فوری طور پر اس کو پکڑ کر جیل کے اندر بھیج دے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عام کاشتکار ایک چھوٹا کاشتکار کیا اس کی مجال ہے کہ قرضہ لے کے 4 سال تک واپس نہ کرے اور آزادی سے گھومتا پھرا؟ نہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ ناممکن ہے. جتنے بھی قرضے تھے سب کے سب واپس کیے جا چکے ہیں ماں سوائے ان چند باسٹھ لوگوں کے جن کو یہ لوگ نوازنا چاہتے ہیں. ان کے قرضے رکے ہوئے ہیں اور ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے. یہ کوئی عام کاشتکار کو فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ غریبوں کے فائدے کا بجٹ نہیں. جناب اسپیکر آپ بے روزگاری کو دیکھ لیں. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سینکڑوں نوجوانوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کی. نہ صرف نوجوانوں نے خودکشیاں کی پر یہاں پر انفرادی خودکشیاں ہوئی ہیں. پورے پورے خاندانوں نے معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں. اور جناب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 4 سال سے جب سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے یہ چارج سنبھالا ہے ان کی نظر زر مبادلہ کے ذخائر پر رہی ہے. جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں جب بھی اخبار میں آتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہے. کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن کاش ان کی ایک نظر اس غریب کے بھوکے پیٹ پہ بھی جاتی ہوگی ہوتی. اگر ان کی کوئی ایک نظر اس تڑپتے ہوئے مریض پہ بھی جاتی ہوگی جو دوائی کے لیے ترستا تھا. کاش ان کی ایک نظر اس طالب علم پر بھی پڑتی ہوتی جو کتابوں کی اور اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے والدین اس کو اسکول سے اٹھا رہے تھے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے. ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کیا بغداد پہ قابض ہوا تو خلیفہ کے خزانے سے ہیروں کی بھری ہوئی پیتیاں ملی اور بتایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے مٹھیاں بھر بھر کے خلیفے کے منہ میں ٹھونس رہا تھا وہ ہیرے کہ اب کھاؤ تم نے جمع کیے تھے اب کھاؤ اگر کھا سکتے ہو. اور ساتھ میں ہلاکو خان یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کاش تم نے یہ پیسے یہ دولت اپنے عوام پہ خرچ کی ہوتی تو آج تیرا یہ حشر نہ ہوتا آج تو اس قدر بے یار و مددگار نہ ہوتا آج تو اس قدر لاچار و مجبور نہ ہوتا. تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب حالات اس طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کل سے اس بجٹ کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہو چکا ہے. یہ جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں اتنا کھیل ہے ہنسوں کا لفظوں کی ہیرا پھیری کا کہ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. جیسے جیسے لوگوں کے اوپر اس بجٹ کے راز کھلتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے کہ کتنا بڑا ریئیکشن ہوتا ہے اس ملک میں. تو میں آپ کی وسادت سے اپنے ماہر معاشیات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب حالات کو اس نہج پر نہ لے جائیں جہاں پھر وہ نہ آپ کے بس میں رہیں نہ ہمارے بس میں رہیں اور پھر کہیں یہ نہ ہو کہ شاعر مشرق پھر قوم کو للکار اٹھیں کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روٹی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا. جناب اسپیکر
इस किस्म के बजट पेश करने पर बड़ी तौकात थी कौम को इस बजट से, और बड़े वादे करके इलेक्शन में हम लोग आए थे कि हम ऐवानों में जाके आपकी नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे, आपके लिए रोजगार के दरवाजे खुलवाएंगे, आपके मुआशी हालात को बेहतर करेंगे, आपको अमन देंगे। लेकिन जनाब यहां आके हमारा वो हशर हुआ है कि अब तो अपने हलके में जाते हुए भी घबराते हैं। क्या मुंह लेके जाएंगे उन गरीबों के पास जिनसे वादे करके आए थे? क्या बजट में लेके जाएंगे कोई ऐसी चीज, खुदारा हमें बता दी जाए कि हम जाके गरीबों से कहें कि ये जी तुम्हारे मुआशी मसले का हम हल निकाल के आए। कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो फिर इस पर तो हमें किस तरह से मुबारकबाद देनी चाहिए वजीर खजाना को? फिर तो हमें यही शेर कहना चाहिए कि मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी।